पूरे बिहार में दो ही झूला? हाँ, दो ही झूला है, 70 फीट। हाँ, तो दोनों झूला इस बार सोनपुर मेला में देखने को मिलेगा? एक वो मिलेगा, एक मिलेगा, यही सिर्फ एक मिलेगा, ये वाला। हाँ, 70 फीट ऊंचा, 70 फीट ऊंचा, जिसका प्राइस 50 रुपए एक आदमी का, एक आदमी का। तो सब तो नहीं झूल सकता है, जिसका मतलब दिल मजबूत होगा वही ना? जिसका दिल मजबूत है वो झूल सकता है, जिसका दिल नहीं मजबूत। क्योंकि विदेश वाला झूला आपको सोनपुर मेला में देखने को मिलेगा, आपको झूलने का मौका सोनपुर मेला में मिलेगा। इस तरीके का झूला आप विदेशों में देखा करते थे, आप सिनेमा में देखा करते थे, लेकिन आंखों से आप पहली बार सोनपुर मेला में देखे। नमस्कार, मेरा नाम उमेश कुमार हुआ और आप देख रहे हैं उमेश यादव ब्लॉगर। सोनपुर मेला 2023 के नए अपडेट के साथ फिर से मैं एक बार आ गया हूँ और आज मैं आपको दिखाऊँगा कि जब आप सोनपुर मेला घूमने के लिए आएंगे तो क्या क्या आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। हालांकि सोनपुर मेला 2023 की तैयारी जो है बहुत तेज़ी से चल रही है, मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको सोनपुर मेला में क्या क्या देखने को मिलेगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सोनपुर मेला के हर एक अपडेट मैं आपको देता रहूँगा दोस्तों। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या सोनपुर मेला में आपको देखने को मिलेगा। जब आप सोनपुर मेला में घूमने के लिए आएंगे तो झूला झूलेंगे ज़रूर, क्योंकि विदेश वाला झूला आपको सोनपुर मेला में देखने को मिलेगा, आपको झूलने का मौका सोनपुर मेला में मिलेगा। इस तरीके का झूला आप विदेशों में देखा करते थे, आप सिनेमा में देखा करते थे, लेकिन आँखों से आप पहली बार सोनपुर मेला में देखेंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं ये ऐसा झूला लगने जा रहा है, क्योंकि सोनपुर मेला में पहली बार ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। सोनपुर मेला में ऐसा झूला आप सिनेमा में देखते थे, ऐसा झूला आप टीवी में देखते थे, लेकिन आंखों देखा हाल आपको सोनपुर मेला में देखने को मिलेगा, आपको झूलने को मिलेगा। इस झूला में जब आप झूलने के लिए आएंगे तो बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। इधर भी आप देख सकते हैं, हालांकि अभी काम चल रहा है, जितने भी झूला है उसका काम चल रहा है। इधर भी आप देख सकते हैं, ठीक है, फिर इधर भी देख सकते हैं, वहाँ पर भी देख सकते हैं वो ब्रेक डांस तो शायद आपने देखा होगा और ब्रेक डांस पे आपने झूला भी होगा, वहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन ये जो झूला है ये बिल्कुल नया झूला है, बिल्कुल आपको नया देखने को मिलेगा। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ टावर झूला, कितना बड़ा टावर झूला है आप देख सकते हैं। देख के आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना बड़ा टावर झूला लगने जा रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत जल्द बन के तैयार होने वाला है टावर झूला। सोनपुर मेला में आपको टावर झूला भी देखने को मिलेगा कि टावर झूला कब तक तैयार हो जाएगा। यहाँ पे क्या नाम हुआ भैया? मेरा सरफराज खान नाम हुआ भाई। कब तक ये टावर झूला कंप्लीट हो जाएगा? 2 से 3 दिन में तैयार हो जाएगा भाई ये झूला, टावर झूला। 2 से 3 दिन में? हाँ। अच्छा, एक बार में कितने लोग एडजस्ट हो सकते हैं? एक बार में कम से कम 40-45 आदमी बैठता है, ओवरलोडिंग नहीं होता है। ओवरलोडिंग करने पर थोड़ा मसला बन जाता है ना भाई। अच्छा, तो ओवरलोडिंग नहीं करना है, एक बार में 40-45 लोग बैठ सकते हैं? हाँ, एक बार में 40-45 लोग बैठ सकते हैं। अच्छा, टावर झूला का क्या मतलब, एक आदमी का क्या प्राइस है झूलने के लिए? 50 रुपये एक आदमी का प्राइस है। एक आदमी का 50 रुपये? हाँ। ये सर कितना फीट ऊंचा होगा? ये होगा 70 फीट ऊंचा है। 70 फीट ऊंचा? हाँ। ये पहली बार मरना है क्या? नहीं, इससे पहले भी बन चुका है ये। अच्छा, बहुत बार आ चुका है झूला यहाँ पे। बिहार में सिर्फ दो झूला है 70 फीट का। अच्छा, पूरे बिहार में दो ही झूला? हाँ, दो ही झूला है, 70 फीट। हाँ, तो दोनों झूला इस बार सोनपुर मेला में देखने को मिलेगा? एक वो मिलेगा, एक मिलेगा, यही सिर्फ एक मिलेगा, ये वाला। हाँ, 70 फीट ऊंचा, 70 फीट ऊंचा, जिसका प्राइस 50 रुपये एक आदमी का, एक आदमी का। तो सब तो नहीं झूल सकता है, जिसका मतलब दिल मजबूत होगा वही ना? जिसका दिल मजबूत है वो झूल सकता है, जिसका दिल नहीं मजबूत हो वो डर जाता है खुद को। हाँ, डर जाएगा, क्योंकि बहुत ऊंचा है। अच्छा, बहुत ऊंचा है भाई, 70 फीट बहुत मायने रखता है ना? मायने रखता है, बहुत ऊंचा है भाई। हाँ, तो आप देख सकते हैं, अगर आप झूला का शौकीन है तो सोनपुर मेला में आपको 70 फीट टावर झूला देखने को मिलेगा। और 70 फीट हाइट से अगर आपको डर लगता है तो फिर आप ये झूला नहीं झूल पाएंगे। अगर हाइट से आपको नहीं डर लगता है तो ये झूला को आप झूल पाएंगे, क्योंकि 70 फीट हाइट वाला टावर झूला लग रहा है और 3 से 4 दिन में ये झूला कंप्लीट हो जाएगा। बाकी और भी अपडेट मैं आपको दिखाने की प्रयास करूंगा, बने रहिएगा मेरे वीडियो के साथ। बार की सोनपुर मेला में माँ वैष्णो देवी का स्टैचू देखने को मिलेगा, यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं, पहली बार आपको सोनपुर मेला में देखने को मिलेगा। चलिए मैं
यहाँ के लोगों से जानने की प्रयास करते हैं। चलिए मैं यहाँ के लोगों से जानने की प्रयास करते हैं कि किस तरीके से माँ वैष्णो देवी का मूर्ति बनाया जाता है, किस तरीके से माँ वैष्णो देवी का मूर्ति बनाया जा रहा है, थोड़ा सा जानने की प्रयास करते हैं और बात करने की प्रयास करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, क्या नाम हुआ? मनोज पंडित। तो क्या बन रहा है ये? वैष्णो देवी गुफा बन रहा है। वैष्णो देवी गुफा? हाँ। अच्छा, तो कितना फीट बनेगा ये? 100 फीट हाइट जाएगा। 100 फीट हाइट? हाँ। तो अभी तो ज्यादा ऊंचा नहीं दिख रहा है, हाथ लगा हुआ है। अच्छा, 100 फीट ऊंचा जाएगा। 100 फीट ऊंचा तो गुफा बनेगा ना? हाँ, वैष्णो देवी है, चरणपाद का हो गया, अर्थकुमारी हो गया, वैष्णो देवी हो गया, भैरव हुआ, अमरनाथ। अच्छा, सब सब सबका मूर्ति बनेगा? हाँ, सबका मूर्ति बनेगी। तो गुफा के अंदर, मतलब गुफा के अंदर माता वैष्णो होगा। अच्छा, कब तक ये कंप्लीट हो जाएगा? ये आपका मेला के ओपनिंग में चालू हो जाएगा। मेला के ओपनिंग जिस दिन होगा उस दिन ये भी चालू हो जाएगा? हो जाएगा। तो सोनपुर मेला में पहली बार देखने को मिलेगा? ये पहली बार देखने को मिलेगी। इससे पहले कभी भी नहीं? इससे पहले 10 साल पहले बना था, मगर इतना हाइट नहीं बना था। 10 साल पहले कितना हाइट बना था? वो लमसम 60 फीट था, 60-50 फीट। 60-50 फीट था। हाँ। ये 100 फीट हाइट बन रहा है? 100 फीट हाइट। अच्छा, तो इतना ही दूर में बनेगा क्यों? पूरा लेंगे, कद्दू दो सब है। अच्छा, पूरा ये कद्दू दो हट जाएगा? सब हट जाएगा। सब हट जाएगा ना? तो बहुत, मतलब बेहतर तरीके से बनाया जाएगा, लोगों को मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा। चलिए, तो आप यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे कारीगर सब है जो माँ वैष्णो देवी का गुफा बना रहे हैं। क्या नाम हुआ भैया? प्रयाग कुमार। प्रयाग कुमार। क्या बन रहा है? गुफा। गुफा? हाँ, वैष्णो देवी का गुफा। वैष्णो देवी का गुफा। हाँ। बन रहा है। कब तक कंप्लीट होगा? बस उद्घाटन होगा, चालू हो जाएगा। उद्घाटन होगा और चालू हो जाएगा। चलिए, तो आप यहाँ पे देख, जब आप सोनपुर मेला में देखने के लिए आइएगा तो आपको माँ वैष्णो देवी का गुफा देखने को मिलेगा, 100 फीट हाइट। पहली बार सोनपुर मेला में आपको 100 फीट हाइट वाला गुफा माँ वैष्णो देवी का देखने को मिलेगा। बाकी ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा ताकि हर बिहार के लोगों तक पहुंच सके और उनको भी ये जानकारी मिल सके कि इस बार सोनपुर मेला में पहली बार माँ वैष्णो देवी का गुफा 100 फीट हाइट बन रहा है।